पकड़ेंगे भैया, आप इधर से आइए, इधर आइए ना, इधर आइए ना, मेरे ही साइड है, हमारा दिक्कत हो जाएगा भैया। सर 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 समारोह का अपने बोल दिए यार। आज की श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी मेहमानों का, अतिथियों का जिला प्रशासन हार्दिक अभिनंदन। और अब मोहित ग्रामीण वजीर आला जनाब नीतीश कुमार अपनी खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और अब माननीय उप मुख्यमंत्री श्री, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री अशोक चौधरी माल्यार्पण कर रहे हैं। और अब माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। थोड़ा पीछे हटी ना। और अब माननीय सांसद श्री दिनेश चंद्र ठाकुर आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण उन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। अटल बिहारी हाथों में हंसते हंसते आग लेकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, उजियार में अंधकार में कलकहार में बीचधार में घोर घृणा में पूत प्यार में क्षणिक जीत में दीर्घहार में की पुण्यतिथि भी राजकीय समारोह के रूप में मनाने की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विजय, भारत परमाणु शक्ति पोखरण, मेरा परम सौभाग्य कि मुख्यमंत्री के साथ मुझे भी उनके मंत्री परिषद में मंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। अटल जी हम सब के अभिभावक थे और देश के महान नेता थे। और नीतीश कुमार जी का अभिनंदन कि आज उनकी पुण्यतिथि पर, जैसा माननीय अध्यक्ष दिलीप बाबू ने कहा, एक राजकीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है, तो अब उनके जन्म दिवस और उनकी पुण्यतिथि दोनों पर बिहार में राजकीय सम्मान होगा। ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। तो बिहार सरकार का अभिनंदन, हम सभी बहुत उत्साहित हैं। उस महान पुण्यात्मा को, अटल जी को बहुत प्रणाम। अटल जी के इस समारोह को राजकीय समारोह का दर्जा दिया है और अब जो है इसे राजकीय धूमधाम से प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी अटल जी का के साथ उनका बहुत ही अनन्य रिश्ता रहा और अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपस में बहुत ही ज्यादा नजदीक भी थे, तो उन्होंने आज श्रद्धांजलि दिया उनको, उनका नमन किया और उनके लिए उन्होंने राजकीय दर्जा जो है राजकीय समारोह घोषित करने का उन्होंने आज घोषणा किया। अध्यक्ष जी थोड़ा सवाल है, आप चार सीटों